जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में होने वाली है। ये 3 सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं और जैसा कि आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी इन 3 सवालों का जिक्र किया गया है। आज का ही न्यूज़पेपर है, आप उठा के देख लेना। लखनऊ हेडलाइन भी डली हुई है, लखनऊ का आपका न्यूज़पेपर है। और मुझे सुबह जैसे ही पता लगा, मैंने अपनी कम्युनिटी पे अपलोड किया और आप लोगों को अवगत कराया कि वैकेंसी आपकी आ रही है, बस तैयारी में लग जाइए। देखो, 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा कि सबसे पहली जो लाइन थी वो यही थी कि सिपाहियों की 53,000 भर्ती होगी। और कम्युनिटी में बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना देना। मैंने कहा ठीक है, टेंशन ना लो, टाइम मिलते ही मैं वीडियो बना दूंगी। पहला क्वेश्चन है, भर्ती कब आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भर्ती कितनी आएगी। क्लियर हो गया, 53,000। पहले क्या था, हमने बहुत पहले देखा था, 6-7 महीने पहले भर्ती आपकी 26,000 बताई जा रही थी, फिर वो हो गई आपकी 35,000 प्लस। लेकिन अब बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आई है, अब आपकी भर्ती हो गई है 52,699। ये पद आपके आ रहे हैं, तैयारी में लग जाइए शेरो, मिशन वर्दी के शेरो, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, सॉरी अभी मैंने पहला क्वेश्चन नहीं बताया, भर्ती कब आएगी, कितनी भर्ती आएगी ये तो बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भर्ती कब आएगी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि टेंडर जो है, टेंडर जैसा कि बहुत सारे भाई बहनों ने सुना था कि टेंडर कंप्लीट हो गया है, मैंने कई बार बोला था कि टेंडर आपका कंप्लीट नहीं है, और न्यूज़पेपर में भी बताया गया है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई तक पूरी करवा ली जाएगी। 15 जुलाई तक आपकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। पता है TCS कंपनी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम कराती है, TCS कंपनी, पहले क्या था कि 2 कंपनियों को यूपी पुलिस ने दिया था कि ये 2 कंपनियां कराएंगी पेपर। उसमें से TCS ने बोला जी हाँ हम पेपर करा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिर्फ TCS ने, दूसरी कंपनी ने नहीं बोला था। फिर बाद में TCS ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तो फिर बाद में डिसीजन लिया कि हम पेपर नहीं कराएंगे। हम इसलिए पेपर नहीं कराएंगे क्योंकि यूपी में तो धांधली होती है, यूपी में तो माफिया बैठते हैं, हम पेपर नहीं कराएंगे। इस वजह से, आपकी कंपनी की वजह से आपकी भर्ती रुकी हुई है, नहीं तो भर्ती में कोई देरी नहीं है। समझ गए, टेंडर अब कंपनी को दे दिया जाएगा, चाहे वो TCS हो या अदर कोई भी कंपनी हो, अब यूपी पुलिस की भर्ती आपकी आनी है, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। समझ गए ना। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए अपना, लिखित परीक्षा कब तक करा ली जाएगी। अब इससे पहले आपके मन में एक डाउट होगा कि भर्ती कब तक आ जाएगी। देखो 15 जुलाई तक ये लोग बोल रहे हैं, जुलाई के अंत तक आपकी भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं, नहीं तो अगस्त में आपकी भर्ती आ जाएगी, ठीक है। और इन लोगों ने बोला है कि लिखित परीक्षा हम करा लेंगे दिसंबर माह के अंत तक, हर हालत में, हर कंडीशन में हम करा लेंगे, हम मतलब चूकेंगे नहीं, दिसंबर के अंत तक, मतलब दिसंबर के अंत तक मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले ये एग्ज़ाम करा लेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। क्या सोच रहे हो, सब कुछ तो क्लियर है, तैयारी में लगिए। मिशन वर्दी चैनल से आज से जुड़ जाइए, यहाँ पर GS कराई जा रही है, हिंदी कराई जा रही है, मैथ कराया जा रहा है, और रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज ही मिशन वर्दी चैनल से जुड़िए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए, अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।